Hello students, welcome back to my YouTube channel. Today I am going to explain you the central idea of the poem A River Turn on the Ganga from your book The Literary Battle class plus 2 in the subject of elective English. तो चलिए करते हैं इसका central idea. ये question आपको तीन तरह से पूछा जा सकता है. What is the central idea of the poem A River Turn on the Ganga? या फिर इसी question को पूछा जा सकता है Give the substance of the poem A River Turn on the Ganga. या फिर What is the message conveyed by the poem A River Turn on the Ganga? तो सबका आंसर एक ही होगा. चलिए करते हैं. The poem A River Turn on the Ganga is written by Manmohan Singh. ये जो पोएम है A River Turn on the Ganga, ये मनमोहन सिंह जी के द्वारा लिखी हुई है. इट हाईलाइट्स द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ पॉल्यूशन इन द गंगा ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन. और ये उन घातक परिणामों के बारे में चर्चा करते हैं जो कि औद्योगिकीकरण के वजह से जो प्रदूषण है उससे फैला है. समथिंग मस्ट बी डन टू स्टॉप दिस पॉल्यूशन बिफोर इट इज़ टू लेट. जो है कुछ ना कुछ अवश्य किया जाना चाहिए इससे पहले कि ये प्रदूषण जो है बहुत ज़्यादा हो जाए और हम बहुत लेट हो जाएं, बहुत देरी हो जाए. द पोइट ट्राइज टू अराउज द कंसाइंस ऑफ द पीपल एंड मेक देम अवेयर ऑफ द कॉलोशर they are doing to the clean environment. कवि जो है वो लोगों की जो अंतर चेतना है उसको जगाना चाहता है उन्हें ये बताने के लिए कि वो इस वातावरण को कितना जो प्रभावित कर रहे हैं, कितना गंदा कर रहे हैं, कितना विनाशकारी जो इसमें प्रदूषण जो है वो कर रहे हैं. नॉट ओनली ह्यूमन बींग्स बट ऑल्सो वाटर क्रिएचर्स आर सफरिंग फ्रॉम ग्रोइंग इंडस्ट्रियलाइजेशन. तो ना सिर्फ ह्यूमन बींग्स बल्कि जो पानी में रहने वाले जीव हैं वो भी इस औद्योगिकीकरण की वजह से हुए प्रदूषण से त्रस्त हैं. केमिकल वेस्ट्स ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर आर नो डाउट साइंस ऑफ प्रोग्रेस. जो केमिकल वेस्ट के जो जो पानी की सरफेस के ऊपर सतह के ऊपर बबल्स के रूप में आता है तो उससे पता तो लगता है कि इस पास में कोई इंडस्ट्री होगी कि जो वो केमिकल्स हैं वो बबल के रूप में पानी के ऊपर तैर रही हैं. बट ऑल्सो आर द सोर्स ऑफ पॉल्यूशन. लेकिन वही केमिकल उस पानी को पॉल्यूट भी करते हैं. द रिवर कैरीज मैनी मेमोरीज ऑफ मिथ्स टेल्स एंड सॉन्ग्स. जो ये रिवर है, ये जो नदी है, ये बहुत सारे मिथ्य कहानियाँ और जो गाने हैं उनकी जो मेमोरीज को, यादों को सजोई हुई है. द सी इज़ वेरी एंग्री बट इट कैन नॉट पुश द रिवर बैक टू इट्स ओरिजिन इन द माउंटेन्स. कहते कि जो समंदर है क्योंकि उसमें सारी नदियाँ जाके मिलती हैं तो वो भी नाराज़ है और वो इस दूषित पानी को, इस दूषित नदियों के पानी को वापस इनके जो ओरिजिन है जहाँ से ये पैदा होती हैं उन माउंटेन्स में वापस नहीं भेज सकता. देन द पोइट सजेस्ट दैट द गंगा इज अ सेक्रेट रिवर. और फिर कवि कहते हैं कि जो गंगा है वो पवित्र नदी है. इसको पवित्र नदी क्यों कहा गया? क्योंकि इसका जो पानी है वो माना जाता है कि इसमें बहुत सारी मेडिसिनल जो पावर्स हैं कि अगर इसको पानी को पिया जाए तो इसमें सभी तरह के खनिज पदार्थ जो हैं वो बंदे को मिलते हैं और प्योर वाटर है. इट मस्ट बी कैप्ट क्लियर ऑफ इंडस्ट्रियल एंड केमिकल एमिशंस. तो जो इंडस्ट्रियल से जो औद्योगों से जो गंदा पानी निकलता है या फिर जो भी केमिकल्स हैं उनके उत्सर्जन जो हैं उससे इसको जो है साफ रखना चाहिए. मतलब कि इंडस्ट्रीज़ का पानी जो है इसमें नहीं आना चाहिए और केमिकल्स जो उसमें से पैदा होते हैं वो भी नदी में नहीं जाने चाहिए. तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज लेके आई है पोएम A River Turn on the Ganga, जो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो वजह से प्रदूषण हो रहा है गंगा नदी में उसकी चर्चा कर रही है कि इससे जो वाटर क्रिएचर्स हैं वो भी जो है परेशान हैं क्योंकि जो फिश वगैरह होती हैं या अदर क्रिएचर्स होते हैं जो इसमें रहते हैं पानी में वो अच्छे से सांस नहीं ले पाते और उनकी मृत्यु हो जाती है. और टर्न नाम का जो पक्षी है अब जब उसे वहाँ पे मछलियाँ नहीं मिलेंगी सतह पे तो
तो फिर वो भी भूखा रह जाएगा। तो इससे सब त्रास्त हैं इस पॉल्यूशन से। उम्मीद करती हूँ आपने ये वीडियो एंड तक देखा होगा और आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस टाइम।